अस्सलाम वालेकुम कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली वेलकम है आपका मेरे चैनल परिसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में तो जनाब आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरे मज़ेदार से नाश्ते के साथ तो आजकल यह है कि मेरा यह नाश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ हुआ है तो साथ में मसाला चाय है और उसके साथ रस होते हैं या फिर केक्स वग़ैरह बिस्किट्स इस तरह की चीज़ें आजकल मैं ले रही हूँ जो कि मुझे बहुत बहुत, बहुत पसंद आई हुई हैं तो खैर हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है पर क्या करें कभी कभी ना दिल की भी माननी पड़ती है तो आज कल मेरे साथ तो यही हुआ हुआ है इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जी मैं रस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं आजकल खा रही हूँ बहुत मज़े के हैं ये अगर मिले ना तो जरूर इसको ट्राई करके देखें तो बेकरी वगैरह के भी ये है कि मैं मंगवा लेती हूँ लेकिन जो ये वाले रस हैं ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं कुछ इसमें यह है कि थोड़ा बहुत ना इलायची का फ्लेवर भी है तो बड़ा मज़ा आता है बच्चे और मैं जो है ना बहुत मज़े से इसको इंजॉय कर लेते हैं इसके बाद जी बस ये है कि मैंने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई और रात का टाइम है ये तो हम लोग बस यहाँ पर आए थे जी बच्चों के लिए टॉयस वगैरह लेने क्योंकि बच्चा को आज शौक़ हुआ हुआ था कि आज क्या कुछ दिनों से ना उसको बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ हुआ था बच्चों को ज़ाहिर है बाहर जाती है ना तो देखती है स्कूटी के साथ के बच्चे जो है ना स्कूटी के साथ खेल रहे हैं तो बस उसको ये था कि मुझे स्कूटी लेनी है दो तीन दिन से अपने पापा से जो है ना फरमाइश चल रही थी उसकी कि बाबा मुझे स्कूटी लेकर दें तो बस यहाँ पर हम लोग यही देख रहे हैं कि कौन सी लेनी है और बच्चे टॉय शॉप में चले जाएँ तो एक चीज़ लेकर तो आप लोगों को पता ही है कि इन्होंने बाहर आना नहीं होता है तो बस इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि चलें बच्चे जो है अपना थोड़ा बहुत शौक़ भी पूरा कर लेंगे और दूसरा ये है कि जो कलर्स हमें स्कूटी के चाहिए थे ना तो इस टाइम पर वो अवेलेबल नहीं थे तो ये है कि वो अपने स्टोर से ना लेने गए हुए थे तो बस उसी का हम लोग वेट कर रहे थे तो खैर बस फिर यह है कि बच्चों ने अपनी पसंद से कलर्स चूज़ किए हैं स्कूटी वगैरह ली है तो इसके बाद बस फिर हम लोग ये है कि अभी कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने सामान भी लेना था तो वहाँ पर भी जाना है तो फिलहाल तो बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए थे इस टाइम ना कि हम लोगों ने यह है कि स्कूटी वगैरह चलानी है तो इसके बाद बस फिर यह है कि अजीज़िया आए हैं हम लोग तो फ्रूट्स वग़ैरह लेने थे कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी तो हस्बैंड गए हैं जी लेने तो बस ये है कि मैं और परिसा जो है ना आ, कार में इंतज़ार कर रहे थे इन लोगों का तो तिहामी का बस ये होता है कि बाबा चले जाए ना तो बस उसको यह है कि रोना ढल जाता है कि मुझे भी जाना है तो बच्चों की स्कूटी आपको थोड़ी बहुत इस टाइम पर नज़र आ रही है तो भी घर चलते हैं ना तो मैं दिखाती हूँ इन्होंने क्या कुछ पसंद किया है तो बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस पर हैं। तो यहां पर बस ये हम लोगों ने स्कूटी ली है और इसके बाद बस ये हम लोग आ गए हैं घर तो यहाँ पर यह देख रहे हैं जी येलो कलर जो है परिसा ने चूज किया है और जो ऑरेंज कलर है वो तिहामी को पसंद आया है तो खैर यहाँ पर बस बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं तो यहाँ पर बस मैं इनको यह है कि इसको ओपन करके दूंगी और फिर यह है कि बच्चे ना थोड़ी बहुत देर यह है कि इसको चला लेंगे और फिर यह कि इनका थोड़ा ना शौक़ भी पूरा हो जाएगा तो ये है नेक्स्ट डे तो नाश्ते में आज इन लोगों ने खाने से कुछ भी इनकार कर दिया तो बस परीसा को यह था ममा फ्रूट्स दे दें तो मैंने कहा चलें ठीक है आ, हेल्दी ही है ज़ाहिर है तो परिसा शौक से भी खा लेती है तो क्यों ना इनकी पसंद से दे दूँ तो सबसे पहले तो बस मैंने इनको शावर दिलाया है इसके बाद मैंने इनसे नाश्ते के लिए पूछा तो बस फिर बच्चों ने कहा कि फ्रूट्स खाने हैं तो इनको बस अब मैं फ्रूट्स वगैरह कट करके दे चुकी हूँ तो बस ये है कि बच्चे खा लें और शावर वगैरह ले लेना तो मुझे लगता है है कि मेरे जो काम है ना तकरीबन वो खत्म है तो सारा तो, तो ये नहीं खाते हैं लेकिन ये है कि जितना थोड़ा बहुत खाएंगे तो फिर बाकी जो बचा कुचा होगा ना वो मम्मा के काम आ जाता है जो क्योंकि हम लोग घर की खातिन है ना उनको बस यही होता है कि घर वालों की सब चीजें पूरी हो जाए तो अपने लिए कुछ हो ना हो तो मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है कि अपने लिए कुछ करने का ना दिल ही नहीं चाहता है तो आज बस कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और कुछ यह है कि क्रेविंग्स जो है ना इतनी ज्यादा कोई बेचैन करके रखती है ना मुझे तो आजकल मेरा दिल चाहता है पिज्ज़ा हो साथ में बस ये है कि मीठी मीठी सी चीज़ें हो ठंडा ठंडा सा कुछ हो तो इसीलिए बस ये है कि हस्बैंड जो है ना मेरे लिए बना कर ले आए हैं दूध सोडा अच्छा इस टाइम पर ना बस मेरा बहुत दिल चाह रहा था तो मैंने वैसे ही हस्बैंड से कह दिया कि मुझे ना दूध सोडा पीने का बहुत दिल है तो बस फिर यह है कि मैं ये है कि ड्रामा देख रही थी इस टाइम पर बैठी हुई और हस्बैंड जो है मेरे लिए बना कर ले आए हैं तो मुझे इतनी खुशी हुई ना अच्छे हस्बैंड भी होना ना ये है कि आपकी लाइफ ना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में यह है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ अच्छे हस्बैंड मिले हैं तो अपने दिल से हस्बैंड कुछ करते ना तो खैर उसकी तो बात ही अलग होती है इस टाइम पर मुझे इतनी कोई खुशी हुई ना कि मनो सलवा की तरह ना, मेरे आगे जो है दूध सोडा हाजिर हो गया क्योंकि मैंने मुँह से निकाला है और वो पूरा हुआ है तो खैर इसके बाद बस फिर यह है कि रात का टाइम था तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी तो हस्बैंड ने कहा चलें घर में क्या बनाओगी तो बाहर से कुछ ले आते हैं तो बस बस भी मैंने कहा चलें ऐसा करें कि हुमस और फिलाफिल वगैरह ले आएँ तो खाना जो है ना आज का यही हो जाएगा तो अच्छा भी लगता है ये और दूसरा बस फिर ये है कि पड़ा ना आपको ये है कि कभी कभी दिल चाहता है ना कि स्पाइसी फूड ना हो मिर्चे शिरचे कुछ भी ना हो बस सिंपल सा फ़ूड हो तो उसी में कभी कभी है कि बहुत मज़ा आ जाता है तो खैर यहाँ पर हम लोग अपना जो डिनर है उसको इंजॉय करेंगे कुछ ना बात वही है कि घर में कोई नहीं हस्बेंड और मैं ही है तो दिल भी नहीं चाहता है कि कुछ इतना ज़्यादा बनाया जाए और फिर इतनी ज़्यादा कोई मेहनत की जाए आ, ये भी है कि अलहमदुल्लह से मेरे हस्बैंड के ना बिल्कुल भी नखरे नहीं है खाने पीने में तो फिर यह है कि मुझे मुश्किल भी नहीं होती है तो कभी बस यह है कि मेरा दिल ना चाह रहा हो ना तो फिर हस्बैंड यही कहते हैं कि चले ऐसा करते हैं आज बाहर से ले आते हैं तो खैर चलता है कभी कभी ये भी तो आज तो कभी कभी ना हमारा ये रोज़ का ही हुआ हुआ है <laughs> तो इसके बाद बस फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं जी मैंने अभी जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो बनाया है तो इसकी बस आप लोगों को पता ही है कि मैं क्यूब्स तैयार करके रख लेती हूँ तो हाँ यह है कि एक बार मुश्किल होती है क्योंकि गार्लिक पील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लेकिन ये है कि आप इस तरह से एक दिन मेहनत कर लेना तो पूरा जो महीना है ना वो आपका सुकून से गुज़र जाता है तो मैं बस ये बनाकर ना पेस्ट रख लेती हूँ कभी कभी यह है कि मैं जो फ्रिज है उसमें रखती हूँ तो खैर जब क्यूब्स बनानी हो तो ज़ाहिर है इसको तो फ्रीज ही करना पड़ता है तो बस यहाँ पर यह है कि मैं इसको अब फ्रीज़ होने के लिए डाल दूँगी और नेक्स्ट डे जो है इसको निकाल लेंगे इसमें से फिर इसके बाद जनाब ये है तकरीबन चार से पाँच घंटे बाद का टाइम तो मुझे ये है कि हल्की फुल्की भूख लग गई थी तो बस ये है कि अपने लिए ना मैंने जो सैलड है वो थोड़ा बहुत कट करके रखा हुआ था तो मैंने कहा चलें अब इसको खा लेते हैं क्योंकि हल्की फुल्की भूख में ना ये ठीक भी रहता है क्योंकि सोने का टाइम भी था और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कोई ना अपने डाइट में सॉल्ट वग़ैरह लूँ तो बस मेरी कोशिश ये थी कि चलें फ्रूट्स वग़ैरह ले, ले लेते हैं क्योंकि आज जो फ्रूट है ना वो मैंने थोड़ा बहुत ही खाया था बच्चों का बचा हुआ तो स्पेशल अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया था तो खैर यहाँ पर बस मैं जो अपना सैलड है उसको इंजॉय करूँगी इसके बाद बस फिर ये है कि बहुत से काम है तो जरूर बताइएगा आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसी लगी है क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट जो है ना एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ फिर ये ना हो कि आप लोग भी बोर हो जाए इसके बाद बस फिर ये है कि मैं जो है सैलड वगैरह खा लूंगी और बच्चे जो है ना अब तकरीबन सो ही गए हैं तो बस अब यह है कि जो थोड़े बहुत किचन के काम रहते हैं उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि दो तीन दिन से जो स्टोव है ना मैंने उसकी भी क्लीनिंग नहीं की वही बात की तबीयत की वजह से पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है मैं खुद परेशान हूँ अपनी तबीयत की वजह से तो यह है कि ख़ैर अल्लाह ताला खैर करें कि जल्द से जल्द बस जो आसानियाँ हैं ना वो हम लोगों की जिंदगियों में कर सकें क्योंकि हम लोगों ने खुद ना अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई है खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है वही बात के घर के कामों में जहन में रहता ही नहीं है कि अपने लिए कुछ खाना है अपने लिए कुछ करना है बस यही होता है कि घर के काम हो जाएँ बच्चों के काम हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें बस कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं ना कि एक दो महीने में के बिल्कुल बोरीय सी हुई रहती है तो आज बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हुआ है तो खैर चैनल पर नहीं है ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मोटिवेशन में इजाफा हो और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो व्लॉग्स हैं ना वो ला सकूँ और आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है कि जल्दी से जल्दी मेरी जो तबीयत है ना वो भी ठीक हो जाए क्योंकि बात वो या ज़ुकाम जो है ना मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है और मैं इतनी कोई ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ ना जिसकी कोई हद ही नहीं लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया था इस ज़ुकाम वाला मसला ना तो आप लोगों ने बहुत से मुझे मशवरे दिए थे तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया उस पर भी मैं अमल करने की कोशिश कर रही हूँ तो अल्लाह ताला ख़ैर करें बस जल्दी से जो मेरा ये मसला है ना वो ठीक कर दें इसके बाद बस ये है कि नमाज फ़जर का टाइम है ये यहाँ पर बस मैं जो नमाज़ है वो अदा करूँगी और इसके बाद बस फिर यह है कि मैं भी सोने के लिए लेट जाऊँगी तो जनाब आज का जो ब्लाग है वो छोटू सा था लेकिन कोशिश की है मैंने आप लोगों को भरपूर इंटरटेन कर सकूँ तो ब्लाग देखने के लिए शुक्रिया थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना ख्याल रखिए अल्लाह